Hello everyone, this is Amit Aura from Ecovisioner. I hope you have watched my previous six videos on national income. Uh, video five and six were of income and expenditure method. Today, class seven is output method or you can say value added method. This is the last method of calculating national income, it is also called production method. इनकम मेथड में भी कैलकुलेटेड एनडीपीएफसी फर्स्ट दैट वॉज डोमेस्टिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथडलेटिंग जीडीपीएमपी फर्स्ट वेन इट कम्स टू वैल्यू एडिड मेथड द फर्स्ट स्टेप इज जीवीएम वॉट इज जीव्यू एम पी इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में कितना सामान बना है प्रोडक्शन कितनी हुई है दैट इज वैल्यू ऑफ योर आउटपुट जनरेटेड इन द इकोमी इन वन ईयर

it is inclusive of exports if domestic sales is given add exports and make it sales rest is same sometimes in the question it is not given sales it is given output sold so output sold is in units not in price not in not in rupees so for that to make it sales you have to multiply with the price per unit imagine thousand units are sold or 10 rupee ka ek unit hai, तो हमारी सेल्स हो जाएगी टेन थाउजेंड बेसिकली पहले स्टेप में सेल्स ही है तीनों में हम पहले में सेल्स ही ऐड कर रहे हैं सेल्स 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 प्लस अगेन चेंज इन स्टॉक एंड सेल्फ कंजम्शन एंड इन दी लास्ट समटाइम्स आउटपुट प्रोड्यूस इज गिवन आउटपुट प्रोड्यूज सो स्टूडेंट्स आउटपुट प्रोड्यूस इज नॉट सेल्स आउटपुट प्रोड्यूज इज टोटल आउटपुट सो अगर हम उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट ही आ जाएगा

सेकंड स्टेप बहुत है जी इन एक्सपेंडिचर मेथड इसमें जीडीपीएम कॉम जीवीएमपी कह रहे हैं सेक्टर वाइज जीवीएमपी पी इकोनमी इज जीडीपीएम तो जो आपने जीवीओ ओ वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला था उसमें से आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑल द डबल काउंटेड थिंग्स सबट्रैक्टेड अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है तो आपको इंपोर्ट को अलग से माइनस नहीं करना है अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट दिया है तो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को प्लस करके उसको आईसी बनाना है और अगर सिर्फ परचेजेस दिया हुआ है तो परचेजेस का मतलब है डोमेस्टिक एंड इंपोर्ट दोनों साथ में है सो दैट विल बी इजी सो वट इज द सेकंड स्टेप वेरी इजी जीवीए जीवीए इज जीवीए एम पी इज द सेकंड स्टेप वेयर यू

Then also it is very easy. Sales plus change in stock, which is value of output, minus intermediate consumption, which becomes GVMP, and then minus Dep and minus NIT. So you can learn this formula directly. You can directly do N V F C sales plus change in stock, or value of output minus IC minus Dep and minus NIT. Some important tips or important points while doing the numericals. जब सेल्स पॉइंट नंबर इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट बट इफ मार्केट इज गिवन, आपको इंक्लूड एक्सपोर्ट इफ 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 एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट बोथ आर गिवन सेल्स वेन सिमिलरलींटरमीडिएट कंप्शन इज गिवन or purchase is given it includes imports also but if purchase in domestic market is given then import has to be added this make intermediate consumption together if output sold is given to get sales I told you before we multiply with price per unit when output produce is given output produce then it is GVOMP when we multiply with the price we directly get value of आउटपुट तो ध्यान देना आउटपुट प्रोड्यूस लिखा है कि आउटपुट सोल्ड लिखा है अगर आउटपुट सोल्ड लिखा है तो सेल्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद और आउटपुट प्रोड्यूस लिखा है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा एंड लेटर व्हेन इट्स मर्जिंग क्वेश्चंस होते हैं मर्ज करके इनकम मेथड और वैल्यू एडिट के तो एनवीसी को आप ले सकते हैं एज एनडीपीएफसी बेसिकली अगर एनवी को इक्वेट करना है तो आप सीओ ओ ओएस और एम आई से इसको मर्ज क्वेश्चन में इक्वेट कर सकते हैं कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन टू बी सोल्व न्यूमेरिकल स्टूडेंट वेरी इजी आप सामने देखो इट इज आज इन एनवीएफसी निकालना है तो आई डू स्टेप वाइज फर्स्ट आई टोल्ड डू फर्स्ट स्टेप विच हैल्कुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक सेल्स नाइन्टी चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दैट इज ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन

एंड लास्ट स्टेप वॉज एनवीएफसी इट इज जस्ट प्योरली कन्वर्जन तो आपके पास जीवीएम पी है माइनस कीजिए डेप्रीसिएशन विच इज ट्वेंटी और माइनस कीजिए एन आई टी दई टी माइनस सब्सिडीज आई थिंक सब्सिडीज आर नॉट गिवन इन द्वेश्चन सो वील सब्रैक्ट आई टी सिक्स माइनस थर्टी द एनवीएफसी जब स्टेप वाइज एनवीएफसी करेंगे तो आप कैसे करेंगे

so gvmp becomes 3400 second step as i told you before is gva mp mp where i subtract intermediate consumption from GVOMP mp but i 1400 then what we do we calculate nvfc directly now that is conversion 1400 is gvmp minus depreciation will give me the net figure and minus nit it minus subsidies again i think it is given subsidies are missing so i'll subtract 250 so 1400 minus 550 is i think so 850 850 is the nvafc coming to third type of question which i was discussing in the important points क्वेश्चन इज आउटपुट सोल्ड एंड एनवीएफ सी आउटपुट सोल्ड मैंने कहा था आउटपुट सोल्ड को जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स आएगा लेट एस स्टार्ट विदर्ट स्टेप अगेन सेल्स इज आउटपुट सोल्ड इन टू प्राइस पर यूनिट थाउजेंड इन टू ट्वेंटी फाइव प्लस चेंज इन स्टॉक विच इज माइनस फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस फाइव हंड्रेड गिवी ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड Then I'll go for GVA MP. I will subtract intermediate cost that is seven thousand. It comes to seventeen thousand five hundred. And the last step is conversion NVFC, GVA MP minus depreciation which is thousand and and minus NIT which is excise duty or subsidies dia nahi diya So only excise duty will be subtracted.

सेल्स प्लस अनसोल्ड और चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी हेर आईसी इज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड इज आईसी माइनस डेप्रीसिएशन अब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना सीख लीजिए जो मशीन की वैल्यू दी होती है एसेट की और उसके एक्सपेक्टेड लाइफ उन दोनों को डिवाइड करना पड़ता है सो वन लैख इज डेप्रीसिएशन टेन लैख इज टोटल वैल्यू

NVAFC is given to us and they're asking for sales. So I'll just write the formula and put the values. Sales plus change in stock minus IC minus depth and minus NIT. Let us put the values. NVAFC is 300. Sales we have to find. Intermediate consumption change in stock is given to us as minus 50.

600. So, sales here is 600. It's a reverse question. You can practice these questions. These are output method questions. First step GVOMP, second step GVFC in the questions, and third step is NVFC. You can do it directly NVFC also if you know the formula. And, students, if you want to practice these questions, you can just download our EcoVisioner app and get this material from our uh, batches. Uh, for economics coaching, you can contact me on 9891203546. I'll be back with the next and the last class of national income where I'll cover GNP and welfare and also real income and nominal income. Thank you.